वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ऑल अबाउट सनस्क्रीन। तो मार्केट में इस तरह के मेरे पास तो ये VLCC का सनस्क्रीन है। तो मार्केट में आपको बहुत सारे ढेर सारे सनस्क्रीन मिल जाएंगे, आपको कोई भी चिंता नहीं। आप कौन सा वाला ट्राई करोगे तो आप कोई भी आप ट्राई कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी सनस्क्रीन के बारे में, सनस्क्रीन क्या होते हैं और सनस्क्रीन हम लोगों को कैसे अप्लाई करते हैं, हम लोगों को कैसे अप्लाई करना चाहिए और क्यों अप्लाई करना चाहिए। तो इसके बारे में डिटेल में आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि सनस्क्रीन हम लोगों को क्यों अप्लाई करना चाहिए। तो हम लोगों को सनस्क्रीन इसीलिए अप्लाई करना चाहिए क्योंकि सनस्क्रीन हम लोगों को सूरज के जो हार्मफुल रेज है UVA एंड UVB रेज, तो उससे हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है सनस्क्रीन। तो ऐसा कोई भी सनस्क्रीन नहीं है जो आपको सूरज के जो हार्मफुल रेज है वो पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट करेगा, शील्ड करेगा। ऐसा कोई भी सनस्क्रीन नहीं है। तो आप जो भी सनस्क्रीन चूज करोगे उसका SPF लेवल हायर देन 30 होना चाहिए। ये तो 40 है, तो आपको मार्केट में इससे भी हायर 50, 60, SPF 60, 70 भी मिल जाएंगे। तो ये जो UVA जो रेस होते हैं वो UVB रेस से भी ज्यादा और भी हार्मफुल होते हैं। UVA रेस आपके स्किन के अंदर ज्यादा डीपर पेनिट्रेट करते हैं, इसीलिए UVA रेस ज्यादा हार्मफुल होते हैं UVB रेस से। अगर आप स्क्रीन अप्लाई नहीं करोगे तो आपके स्किन एजिंग, डार्क पिगमेंटेशन और ब्लेमिशेस भी हो जाएंगे अगर आप सनस्क्रीन यूज नहीं करके आप बाहर अगर निकलोगे तो। अगर आप घर पे भी हो तो भी आप सनस्क्रीन अप्लाई करना। तो जो भी सनस्क्रीन आप यूज कर रहे हो उसका SPF लेवल हायर होना चाहिए और उसका उसपे PA ट्रिपल प्लस या डबल प्लस होना चाहिए क्योंकि ये आपको ज्यादा प्रोटेक्शन देता है, जिसमें लिखा हुआ है PA डबल प्लस या ट्रिपल प्लस, उसमें आपको ज्यादा प्रोटेक्शन देगा और ये आपको सनबर्न से भी बचाएगा। तो जब भी आप घर से बाहर निकलोगे उससे 20 मिनट पहले आप सनस्क्रीन को अच्छे से अप्लाई कर लेना और उसके बाद ही आप निकलना और आप रीअप्लाई जरूर करना। और अगर आप सोच रहे हो कि मेकअप करने से सनस्क्रीन का काम हो जाएगा, मेकअप इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन का जो SPF होता है वो एड अप नहीं करता। सपोज ये वाला है 40 और 40 अप्लाई करने के बाद सपोज मैंने कोई 30 SPF वाला कोई सनस्क्रीन सपोज मैंने लगाया, तो ऐसा नहीं है कि ये 40 प्लस 30 70 SPF हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं 40 मैंने पहले अप्लाई कर ली है तो ये 40 का ही सन प्रोटेक्शन देगा। तो ये जो मेरे पास ये जो VLCC का सनस्क्रीन है ये UVA एंड UVB प्रोटेक्शन दोनों ही देता है। UVA रेस से भी प्रोटेक्शन देता है, UVB रेस से भी प्रोटेक्शन देता है। तो मैं इसे थोड़ा सा अप्लाई करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ऐसा है इसका टेक्सचर, व्हाइट कलर का। और जो भी एक्सपोज्ड एरियाज है जैसे कि फेस, नेक, शोल्डर, हैंड्स और थोड़े बहुत फीट पे भी अगर आपका एक्सपोज्ड रहता है तो आप वहां पे भी आप ये सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना। अप्लाई करके ही बाहर निकलना और जब भी आप बाहर निकलोगे उसके 20 मिनट पहले आप इसे अप्लाई करना। तो आज का मेरा वीडियो बस इतना ही सनस्क्रीन के ऊपर। आप लोग इस गर्मी में सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना और बाहर जितना हो सके, मतलब 11 से लेकर 3 से 4 बजे तक आप जितना हो सके उतना कम ही निकलो, वही अच्छा है क्योंकि अभी बहुत ही गर्मी है। तो अभी तो मैं तो कोलकाता में हूँ तो अभी तो मतलब मेरे यहाँ पे 41 तक टेम्परेचर चला जाता है, तो अभी निकलना सेफ भी नहीं है। तो आप जितना हो सके उतना कम निकलिए इस गर्मी में। तो ये था आज का मेरा वीडियो। आशा करती हूँ सभी लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करना मत भूलना और मिलती है अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।